नमस्कार, खबर है 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, स्वामी विवेकानंद की जयंती है आज। सीएम मनोहर लाल ने स्वामी विवेकानंद को नमन किया है। उनके विचार सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो आपको बताते चले, स्वामी विवेकानंद की जयंती है आज। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने स्वामी विवेकानंद को नमन किया है और उन्होंने कहा कि उनके विचार सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। बड़ी खबर, स्वामी विवेकानंद की जयंती आज। सीएम मनोहर लाल ने स्वामी विवेकानंद को नमन किया और उन्होंने कहा कि उनके विचार सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। स्वामी विवेकानंद जयंती आज। सीएम मनोहर लाल ने स्वामी विवेकानंद को नमन किया है और उन्होंने कहा कि उनके विचार सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। स्वामी विवेकानंद की जयंती आज। स्वामी विवेकानंद को सीएम मनोहर लाल ने नमन किया है। आपको बताते चले, उन्होंने लिखा कि उनके विचार सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए स्वामी विवेकानंद को नमन किया है। पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरजीत कुमार जियाड़ी से पंजाब के ब्यूरो चीफ स्वर्णजीत सिंह ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को घेरते हुए कहा कि वो केवल वाहवाही बटोरने के लिए ऐलान पर ऐलान किए जा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 10 मार्च को पंजाब में कमल का फूल ही खिलेगा। नमस्कार, हर खबर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ पंजाब के गद्दावर नेता जो कि पूर्व हेल्थ मिनिस्टर भी रहे हैं 2017 तक, हमारे साथ सुरजीत कुमार जियानी जी हैं। जियानी साहब बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। सबसे पहला मेरा सवाल कि लगातार बीजेपी में कांग्रेस पार्टी हो, अकाली दल हो, अलग अलग धड़ों से सदस्यता जो है बीजेपी आज सदस्यता दिलवा रही है, यही कारण है कि अभी तक लिस्ट जारी नहीं हुई। क्या जो बीजेपी के लीडर हैं, क्या उनकी टिकट से पहले इन नेताओं का इंतजार? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी तो कोई इलेक्शन की मुहिम अब स्टार्ट हुई है और जो बड़ी पार्टी होती है तो उनकी लिस्ट है, अब मीटिंग होगी, उसमें मेरे ख्याल 19 तारीख तक ये डिक्लेयर हो जाएगी। तो ये बात नहीं है कि कोई ज्यादा मिल रहे हैं इसलिए कोई बात है, ये तो जब तक दौर चलेगा जब तक फाइनल नहीं हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी एक वर्कर पार्टी है और इस पे इस जो पार्टी भारतीय जनता कहती है वो करती है, इसलिए लोगों का विश्वास है। सेंटर में सरकार मोदी साहब की, मोदी साहब ने जो काम किया है और जिस स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है वो स्टेट में अंदर भाईचारा भी कामयाब रहता है और सूबा भी तरक्की करता है, सबको पता है। तो जिस परिवार में इज्जत होती है उस परिवार में ज़्यादा लोग मिलते हैं और जिस परिवार में इज्जत नहीं होती उससे बाहर जाते हैं। जिस परिवार में झगड़ा उसमें मेहमान भी नहीं जाते, जहाँ प्यार होता है वहाँ मेहमान भी आते हैं, मेहमान ठहरते भी हैं और मेहमान आनंद भी लेते हैं। जानी साहब, आपने कहा कि मेहमान उसी परिवार में जाते हैं जहां रिस्पेक्ट मिले। अभी प्रधानमंत्री पंजाब आए, फिरोजपुर में रैली हुई, सुरक्षा चूक की बात की गई, लेकिन जब से प्रधानमंत्री के साथ ये वाकया हुआ है तभी से प्रदेश के मुख्यमंत्री गाड़ी में जाते हुए पत्रकार अगर कोई साथ जा रहा है उन्हें दिखाने लग जाते हैं, देखिए सुरक्षा में कहां कमी है, गाड़ी में चलते हुए उतर जाते हैं और दिखाते हैं कि तो क्या इस आप इतने पुराने राजनीतिज्ञ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, राजनीति को पंजाब की बहुत अच्छे से समझते हैं, क्या कहेंगे? देखो, बात यह है कि कांग्रेस जो है अपना राजनीतिक ग्राउंड खत्म कर चुकी है, अब वो अपना तलाश कर रही है। किस तरह से तलाश हो, उनको एक बड़ा भारी एक खौफ था, डर था कि बीजेपी उभर रही है, देश के प्रधानमंत्री का फिरोजपुर आगमन और दौरा होगा तो वहाँ बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली थी, बड़े अनाउंसमेंट यहाँ तक होने वाली थी कि पंजाब का कर्जा तक, किसान का कर्जा तक, बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट जो है मोदी साहब ने करनी थी। तो इनके मन में भी ये पीड़ा थी, अगर ये रैली कामयाब होगी, अनाउंसमेंट मोदी साहब अगर कर गए तो हमारा बिल्कुल ही सुपड़ा साफ हो जाएगा, इसलिए इन्होंने षड्यंत्र किया। क्या था कि मेरे पास ड्यूटी थी जो ट्रांसपोर्ट बसों की करने की,
तो मैंने 4,42,50 में हमने बसें करके दी और लोगों में पूरे उत्साह के साथ लोग आ रहे थे। चलो मौसम ने साथ नहीं दिया, कोई बात नहीं, आप देखोगे एक सड़क के ऊपर सिर्फ 5-10 लोग, शरारती लोग, किसान की आड़ में अपना ट्रैक्टर ट्राली लगा के और हमारी बसों को, हमारे लोग गाड़ियों के शीशे तोड़ना, ऐसी वो बातें कर रहे थे। आप, आपके माध्यम से हमने देखा है, आपने दिखाया है और लोग आपके माध्यम से ज्यादा देखते हैं। वैसे पर्सनल कोई देखे तो कितना देखेगा, तो आपने खुद देखा कितने लोगों का हजूम जो फिरोजपुर की ओर जा रहा था, तो इन्होंने इसमें रुकावट डाली। और चन्नी साहब एक बात जो कहते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए, जे चन्नी साहब मुख्यमंत्री ने वो ऐसी बातें करते हैं। और ये आपका मैच पीएम की सिक्योरिटी के साथ अपना मैच करना ठीक नहीं, पीएम की सिक्योरिटी अलग है, सीएम की सिक्योरिटी अलग होती है, वो देश की होती है, तो हर एक चीज उसके साथ ये जोड़ के देखते हैं। देखो बात एक उन्होंने कहा कि देखो, जब पत्रकारों ने पूछा कि भाई आपने ये सिक्योरिटी इंतजाम क्यों नहीं किया, तो भाई मैं किसानों के लाठी थोड़ा चला दूं, मैं इनको ये थोड़ा कर दूं, पर चन्नी साहब से मैं पूछना चाहता हूं, जब तेरे को घेरते हैं, जब बच्चे घेरते हैं, ईटीटी वाले अध्यापक घेरते हैं, जब उन्हें छोटी भी मारी जाती है, पानी भी डाला जाता है, बाल पकड़ के घसीटा भी जाता है, तेरी सिक्योरिटी में सब कुछ हो जाए, लाइन ऑर्डर भी सब तहस नहस हो जाए, अगर देश का प्रधानमंत्री आता है, जब तू ये बयान देता है भी मैं ऐसे अपने लोगों से कैसे कर दूं, क्या जब बच्चों के ऊपर लाठियां चली थी और इसका सिक्योरिटी डीएसपी बस के अंदर बैठे हो, बच्चों को पीटा गया, जब कहां थे? ये बात इन लोगों को सब पता है, इनके हाथी के दांत दिखाने की ओर है, खाने की ओर है, अपना मसला हो कुछ और है, अगले का हो कुछ और है, तो इसलिए वोट ये अपना ग्राउंड खो चुके हैं। तरह तरह की बातें पूरा में एक वाक्या सामने आया कुछ ही 5 दिन पहले, नागरिक अस्पताल में, सरकारी नागरिक अस्पताल में लिंग जांच होती थी और हरियाणा राज्य है, पंजाब के बिल्कुल बगल में, करनाल से सीएमओ की टीम आती है, सूत्रों के हवाले से उनके पास जानकारी थी, और वो टीम आकर के रेड करती है नागरिक अस्पताल में, तो क्या देखते हैं पैमाना, क्या देखेंगे स्वास्थ्य विभाग का पंजाब? देखो पंजाब में अंधेर नगरी चौपट राजा, तो यह क्या कि सरकार है ही नहीं, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है पंजाब में अंदर, उससे आप अनुमान लगा सकते हो। 3 महीने के 4 DGP बदल देने, AG बदल देने, रोज अफसर बदल देने, कोई स्थायी अफसर नहीं है, और इनके हॉस्पिटल जो है तो रेफर बने हुए हैं, कोई सिविल हॉस्पिटल आज गायनी तक, डिलीवरी तक जो जरूरी चीज है वो नहीं हो रही। मेरे टाइम में जितनी भी मशीनें सारी बंद पड़ी है, जाके देखो एक मशीन भी काम नहीं कर रही। अल्ट्रासाउंड की मशीन सर बिल्कुल गायनिक जो सरकारी डॉक्टर है उसके घर के बिल्कुल बगल वाले घर में मिली है, तो फिर मैंने कह दिया ना सरकार नाम की कोई चीज नहीं, ऐसा व्यवस्था है, हर एक चीज बंद है, इनके पास स्टाफ नहीं है, और जितना भी स्टाफ है सब सड़कों पे है, मुर्दाबाद और जिंदाबाद में लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? कि ये झूठे लॉलीपॉप देते हैं, उसमें खरे नहीं उतरते तो लोग भड़क जाते हैं, तो ये सरकार नाम की चीज पंजाब। आखिरी प्रश्न आपसे सुरजीत जी, पंजाब लोक कांग्रेस, ढींसा साहब और बीजेपी, क्या 14 मार्च को गुलाब का फूल खिलेगा, क्या होना, कमल का फूल खिलेगा, गुलाब का फूल, क्योंकि 14 फरवरी को वोटिंग है और मार्च 10 तक नतीजे आने हैं, तो क्या पंजाब के लोग पक्का खिलेगा? आप देखो कांग्रेस किस स्तंभ पे वोट मांगेगी, कांग्रेस का हाल देख रहे हो, आम आदमी पार्टी की स्थिति देख रहे हो, केजरीवाल साहब को लोग समझ चुके हैं, केजरीवाल साहब जो है लीडर नहीं है, डिक्टेटरशिप है, और ये जब ये एक बात की समझ नहीं आती, इनका हर एक बात में दो पैमाने हैं, दो तरह के पैमाने हैं, जब इनका कोई MLA कांग्रेस में जाते हैं तो ये कहते हैं ये प्यार से आए, और बीजेपी में कोई आता है तो कहते हैं ये तो ईडी के डर से लेके आए, बीजेपी ज्वाइन करे वो तो ईडी का डर ये बात करते हैं, इनमें कोई जाए तो वहां ये बात करते हैं, तो जब ये इनके MLA 10 कांग्रेस में गए तो क्या ईडी का डर था, क्या कुछ लोग अकाली दल में गए उनको ईडी का डर था, बीजेपी में शामिल हो तो ये लोग कहते हैं ईडी के डर दिखा के ले रहे, इनमें कोई जाए तो ये फूल की वर्षा करके ले जा रहे हैं। से इस बार चुनाव लड़ने वाले, देखो ये पार्टी हमारा फैसला करती है, जो पार्टी हमें दिशा आदेश देती है हम वो करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सुरजीत, जो कि पूर्व मंत्री रहे और उन्होंने साफ कह दिया कि बीजेपी पर आरोप प्रत्यारोप जो है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, और सोची समझी सुनियोजित तरीके से टारगेट किया जाता है, लेकिन आने वाला समय जो है कमल का फूल खिलेगा और मार्च 10 को ये हिस्ट्री जो है वो बनने वाली है। बहरहाल ये समय के गर्भ में आने वाला समय ही बता पाएगा। हमारी नजर इन विधानसभा चुनाव पर बनी हुई है, आप देखते रहें हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वरण।
खबर गुहला चीका से है, जहां महामारी अलर्ट के तहत पुलिस ने शाम 6 बजे से बाजार बंद करवाए। वहीं पहले दिन कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, लेकिन आगे नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ डीएसपी गुहला ने लोगों से पुलिस का सहयोग करने की अपील करी। जनता से 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी का नियम पालन करने की अपील भी यहां पर की गई है। प्रदेश सरकार ने कैथल को रेड जोन में शामिल किया है और जिसके बाद शाम 6 बजे के बाद जरूरी वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर बाकी सारी दुकानों को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। और 6 बजे के बाद कैथल पुलिस इन सभी दुकानों को बंद करवाने के लिए जुट गई। वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन लाउडस्पीकर के जरिए से बाजार बंद करने की अपील करती नजर आई। पटौदी में भारतीय किसान संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी ने एसडीएम को पीएम और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी और 36 प्रांतों के अध्यक्षों, महामंत्रियों और संगठन मंत्रियों ने गहन मंथन के बाद तीनों कृषि सुधार अध्यादेश के बाद लागू करने की मांग करी है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जागेगी। भिवानी में हुई बैठक में हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। इसे लेकर के 23 और 24 फरवरी को पूरे प्रदेश के हर विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर होंगे। महासंघ ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो हड़ताल अनिश्चितकाल के लिए भी की जा सकती है। हरियाणा कर्मचारी महासंघ के नवनियुक्त प्रदेश उप महासचिव बल्लू बामला ने अपने नियुक्ति पर हुए सम्मान समारोह के बाद कहा कि सीएम को भी मांग पत्र भेज दिया गया है। समय रहते ही मांगों पर बात की जाएगी और मांगे पूरी नहीं होती है तो लड़ाई लगातार जारी रहेगी। देखो, आज जो हमारी हरियाणा कर्मचारी महासंघ का मुझे डिप्टी जनरल सेक्रेटरी बनाने का काम किया है, मैं इसके लिए पूरे प्रदेश के कर्मचारियों ने जो मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, मैं उस पर पूरा खरा उतरने का काम करूंगा और साथियों को विश्वास दिलाता हूं कि जहां भी कर्मचारियों को मेरी जरूरत पड़ेगी, वहां कर्मचारियों जहां पसीना बहेगा वहां मैं अपना खून बहाने का काम करूंगा। जो हरियाणा कर्मचारी महासंघ की जो केंद्रीय समिति ने जो फैसला लिया है और ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, तो मैं सर्कल सेक्रेटरी एच एस सी वर्कर यूनियन का होने के नाते भिवानी के कर्मचारी शासन से आह्वान करता हूँ कि जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, जो कर्मचारी के हित के लिए जो है ना सरकार के जो हमारे संगठनों ने डिमांड रखी है, चाहे वो कच्चे कर्मचारी को पक्का करने की बात थी, नई पेंशन लागू करने की, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बात है, चाहे वो रिस्क अलाउंस की बात है, ये सारी डिमांड हमारे हरियाणा कर्मचारी महासंघ के केंद्रीय नेतृत्व ने सरकार के सामने रख रखी है। खबर नू से है, जहां लगातार बारिश होने की वजह से मजदूरों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। दरअसल जिले में 89 ईंट के भट्टे हैं जिन पर हजारों की संख्या में मजदूर ईंट बनाने का काम करते हैं। वहीं पिछले एक महीने से इस कड़कड़ाती ठंड में मजदूर ईंट बनाने के काम में लगे हुए थे, लेकिन लगातार बारिश होने के कारण ईंट गल करके मिट्टी में मिल गए हैं। साथ ही साथ भट्टा मालिकों का कहना है कि इसमें मजदूर और मालिक दोनों का ही काफी ज्यादा नुकसान हो गया है। हमारे जो डॉक्टर लोग हैं, जो ये सभी जनता के हित में ही काम करते हैं, जनता की सेवा में लगे हुए हैं, कोविड में हमने जान तक गंवा दी है। बस हमारी सरकार से एक मामूली सी एक जायज डिमांड है। डिमांड हमारी क्या है, एक तो हम सरकार से ये चाहते हैं कि डायरेक्ट एसएमओस की जो भर्ती है इस पर रोक लगा दी जाए, ठीक है, चलिए। दूसरा हमारा ये मामला है कि हमारी सरकारी जो डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं उनके लिए एक पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन पॉलिसी बना दी जाए, जिससे कि हमारे जो सरकारी डॉक्टर हैं वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें।
नूह के मेन बाजार में चोर ने फुटवेयर डीलर के लॉकर से 1,70,000 रुपए पर हाथ साफ कर दिया। वहीं चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक चोर ऑफिस में घुसकर बड़ी चालाकी के साथ लॉकर में रखे पैसे लेकर फरार हो जाता है। फिलहाल पीड़ित ने शिकायत दर्ज करवा दी है और पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोर की तलाश करने में जुटी हुई है। दो लाख 25,000 के आसपास था हमारा केस उसमें, जिसमें से 1,70,000 रुपये निकल गया दराज में से। और मैं थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गया था दुकान शॉप से, धूप आ रही थी, थोड़ा धूप में निकल गया था मैं, उसी दौरान उन्होंने ये कर लिया। तो लगातार खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहां वक्त हो चला है सुर्खियों का।